क्या पहला क्लास में हमने यह बता दिया था, अरे इधर पहला क्लास में हम यह बता दिए थे, क्या बता दिए थे, चिन्ह और उसका नाम बता दिए हुए हैं। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण मापे, और माप सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर चीज में कुछ भी लो उसमें माप जरूर आ जाएगा। बात सुना है कि नहीं है? तो चलो देख लेते हैं कौन कौन जो है महत्वपूर्ण है। देखो सबसे पहला यह है कि एक सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, दस। कितना होता है? दस। पढ़ोगे एक सेंटीमीटर में दस मिलीमीटर होता है। एक सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? तो कितना? दस। चलो आगे है, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? कितना? सौ। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? सौ सेंटीमीटर। चलो आगे है, एक किलोमीटर में कितना मीटर? एक हजार मीटर। एक किलोमीटर में कितना मीटर? एक हजार मीटर। अच्छा एक हाथ में कितना इंच होता है? अठारह। एक हाथ में कितना इंच है? अठारह। बोलोगे एक सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? एक किलोमीटर में कितना मीटर? एक हाथ में कितना इंच? अब एक बार कोई बिना देखे, आंख बंद रहना चाहिए सबका, अगर किसी का आंख खुला देख लिए आंख फोड़ देंगे, मजाक कर रहे हैं, बंद करो। चलो एक सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? दस मिलीमीटर। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? एक किलोमीटर में कितना मीटर? एक हाथ में कितना इंच? अठारह इंच। कितना इंच? अठारह इंच। देख रहे हो ऐसे आंख बंद किए हुआ है, ऐसे करके देख रहा है, पूरा बंद रहना चाहिए तब ये याद होगा। चलो एक कट्ठा में कितना धूर होता है? बीस धूर। कितना धूर? बीस धूर। और एक पाउंड में 456 ग्राम होता है लगभग। एक पाउंड में कितना ग्राम? 456 ग्राम। बता दो एक हाथ में कई इंच? 18 इंच। कितना इंच? 18 इंच। देखोगे एक पाउंड में कितना ग्राम? अच्छा एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। एक किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। पूछेंगे बताओ एक हाथ में कितना इंच? 18 इंच। एक हाथ में कितना इंच? 18 इंच। फैज किधर बैठा है? याद कर रहा है ना? सुनेंगे हम। चलो एक क्विंटल में कितना किलोग्राम? जब 100 किलो हो जाए, कितना हो जाए? 100 किलो। समझ जाना कितना क्विंटल हो गया है? एक क्विंटल हो गया है। अच्छा अगर हम बात करें एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54। 2.54। बोलोगे पांच बार बोलना है इसको। क्या बोलना है कि एक इंच में, बोलो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। बोलो एक इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, कोई आदमी इसको यह नहीं पढ़ेगा 2.54, कोई नहीं पढ़ेगा इसको। पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, एक एक अंक। तो कैसे पढ़ोगे? 2.54, 2.54 क्या चीज? सेंटीमीटर। याद हो गया? बताओ एक फुट में कई इंच? एक फुट में कई इंच? 12 इंच। एक फुट में कितना इंच होता है? 12। बताओ एक गज में, एक गज में कितना फुट? 3 फुट। अब आंख बंद होना चाहिए, पूछेंगे बताओ एक क्विंटल में कितना किलोग्राम? एक इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर।
अखिया खोल लो। चलो एक लग्घी में देखो, लग्घी होता है वो नापने में काम आता है, ठीक है। तो कितना फुट का बनाया जाता है? 8.25 फीट का लगभग, 8.25 फीट का, ठीक है। कितना है पर 8.25 फीट का एक लगी में कितना है? 8.25। आगे एक बीघा में कितना कट्ठा? एक बीघा में कितना कट्ठा? 20 कट्ठा। एक बीघा में 20 कट्ठा। बताओ एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितना? 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। आगे बढ़ोगे, एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। एक मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटा। 12 घंटा के दिन है, 12 घंटा के रात, तो दोनों के एक एक घंटे के लिया जाता है, ठीक है। 24 घंटा। एक माह में कितने दिन होते हैं? देखो ध्यान से सुनो, अलग अलग महीना में अलग अलग दिन होता है। किसी में 28, किसी में 29, किसी में 30 और किसी में 31 दिन होता है। आगे बता रहे, देखो एक वर्ष में कितना दिन? एक वर्ष में कितना दिन? 366 दिन। और एक अधिवर्ष, अधिवर्ष को अंग्रेजी में लीप ईयर बोलते हैं, अंग्रेजी में लीप ईयर, कितना दिन होता है? 366 दिन। हम कैसे जानेंगे कि वह साल लीप ईयर है? कैसे जानेंगे? तो उसमें 4 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 4। अगर पूरा पूरा कट गया तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। वह वर्ष कौन सी होगा? लीप वर्ष होगा। आगे एक युग में कितना वर्ष? 12। एक युग में कितना वर्ष? 12। एक शताब्दी में कितना वर्ष होता है? 100। एक शताब्दी में 100 वर्ष। अच्छा पूछ रहे हैं, बताना एक क्विंटल में कितना किलोग्राम? एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? कितना? 100। कितना? 100 सेंटीमीटर। अच्छा आगे है फरवरी, नोट है, एक इम्पोर्टेंट है बट हल्का है। फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी कितना दिन के हो जाता है? 29 दिन का होता है। एक समकोण में कितना डिग्री? 90। कल बताए थे कि कुछ रहे उसके ऊपर ऐसा रहे, इसको डिग्री पढ़ना, 90 डिग्री। और बउआ एक बात, डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। तो यह था कुछ महत्वपूर्ण माते। चलो फाजिदराव, अगर नहीं याद हुआ तो आई बड़ी मार मारेंगे, पिटाई खाएगा, सुनाएगा तो नहीं खाएगा। चलो यहाँ पर आ बताओ, इधर मेरे घूमते, बोर्ड पे नहीं देखना है। एक क्विंटल में, एक क्विंटल में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, एक क्विंटल में कितना किलोग्राम? 100 किलोग्राम। और बताओ एक हाथ में कितना इंच? 18 इंच। एक कट्ठा में कितना धूर? 20 धूर। और एक बीघा में कितना कट्ठा? 20 कट्ठा। एक सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। एक मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। और एक माह में कितना कितना दिन होता है? 28, 29, 30 या 31 दिन। चलो एक अधिवर्ष में कितना दिन होता है लीप ईयर में? 366। और एक समकोण में कितना डिग्री? 90 डिग्री। चलो बहुत अच्छा, कैसे जाके सबको याद हुआ? और कल ये फिर सुनेंगे, कोठी पे लिखवाएंगे, और फिर अगले सप्ताह में टेस्ट है, उसमें इसमें से क्वेश्चन रहेगा बनाने वाला, एक से दूसरे में ऐसे रहेगा। देखो कि एक हाथ में कितना है? 18 इंच। तो 5 हाथ में कितना इंच होगा? ऐसा क्वेश्चन रहेगा, गुणा कर दोगे बन जाएगा।